दोस्तों जय श्री राम। मेरा पूरा भारत देश 22 जनवरी की सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहा है, तो मैंने भी ये एक छोटा सा क्राफ्ट 22 जनवरी की सेलिब्रेशन के लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का क्राफ्ट अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मैं हूँ चेतना पटेल और चेतनास क्रिएटिव क्राफ्ट चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक केक बेस का यूज़ किया है और इस केक बेस के ऊपर से हम रेपर को हटा के ये जो MDF बोर्ड इसके नीचे से निकलेगा, इसका यूज़ करके हम आज का क्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इस रेपर को हटा लिया है और इस MDF बोर्ड के ऊपर सबसे पहले येल्लो कलर को अप्लाई करूँगी। तो येलो कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए, इसके बाद हम ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे श्री राम जी के बहुत ही फेवरेट जो कलर्स है इनका यूज़ किया है, येलो और ऑरेंज। ये भगवा कलर हमारे देश की शान है, तो ये जो ऑरेंज कलर है इसको भी मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, मुझे कलर की ब्लेंडिंग करना नहीं आता, मैंने पहली बार दोनों कलर की ब्लेंडिंग की है, इसीलिए इसका शेडिंग है वो बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ब्लेंडिंग करनी आती हो तो आप इस तरह से दो कलर को अप्लाई कर सकते हो, और नहीं आती हो तो ओनली आप ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर सकते हो। ये भगवा कलर लग के रेडी हो गया है, ये सूख के भी रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर हम जो नेम प्लेट बनाने वाले हैं, इस नेम प्लेट के नेम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जय श्री राम लिखा है, आप भी इसी तरह से जय श्री राम पेंसिल से अच्छी तरह से आपको जिस तरह से लिखना है उस तरह से लिख के रेडी कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं बाज़ार से एक साड़ी लाई थी, तो मेरी इस साड़ी की जो ये पॉलीथीन बैग है इसका यूज़ करके हम आज कौन बनाएंगे। तो आपके पास आपके कपड़ों की इस तरह की बैग हो तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो कौन बनाने में, और ऐसी बैग ना हो तो आप इसकी जगह पे मिल्क पाउच का भी यूज़ कर सकते हो। इस पॉलीथीन बैग से हम कौन को रेडी करेंगे और सेलो टेप से इसे पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कॉर्न है, इसे हम सेलो टेप लगा के फिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये कॉर्न बन के रेडी हो गया है। अब हम मार्बल पाउडर की पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मार्बल पाउडर लिया है और इसमें 1 चम्मच ब्लैक कलर लगा के इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसमें ज़रूरियात के हिसाब से फेविकॉल को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे फेविकॉल MR को यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी फेविकॉल MR का ही यूज़ कीजिए और कोई भी फेविकॉल आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। आप कोई और फेविकॉल यूज़ करेंगे तो आपका ये पेस्ट सूखने के बाद क्रैक हो जाएगा और आपका क्राफ्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप ऑलवेज मार्बल पाउडर की पेस्ट बनाओ तो इसमें फेविकॉल MR का ही यूज़ कीजिए। हमारी ये पेस्ट बन के रेडी है, इसे हम कॉन में फिल करके कॉन को अच्छे से पैक कर देंगे। हमें कॉन को पीछे से अच्छे से पैक करना है ताकि जब हम इस कॉन से काम करें, क्राफ्ट बनाए, उस टाइम पीछे से ये खुल न जाए और ये पेस्ट पीछे से निकल न जाए, इसलिए इस तरह से अच्छे से इसे हमें पैक करना है। तो हमारा कॉन बन के रेडी है और इसी कॉन से हम हमारी आज की नेम प्लेट बनाएंगे। तो आपको जितनी मोटी लाइनिंग चाहिए उतना मोटा कॉर्न आप कट कीजिए। आप देख रहे हैं कि लाइनिंग बहुत ही अच्छे से बन रही है और इस कॉर्न से हम जय श्री राम का जो हमने ड्राइंग बनाया है इसको आउटलाइनिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस भगवे रंग में, ऑरेंज कलर में, इस ब्लैक कलर कौन से हम जो लिख रहे हैं,
इस ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और हमारे इस नेम प्लेट को ये ब्लैक कलर चार चांद लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग के लेटर को यहाँ पे लिख के इस तरह से आप आउटलाइनिंग लगाइए, तो हमारा ये क्राफ्ट आउटलाइनिंग लग के जय श्री राम लिख के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे ये ध्वज को भी अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके अराउंड आउटलाइनिंग लगाएंगे। तो हमारी आउटलाइनिंग लगने के बाद तो ये क्राफ्ट बहुत ही एट्रैक्टिव दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी सभी आउटलाइनिंग लग चुकी है, इसको हम सूखने देंगे, ये सूख जाए इसके बाद ही इसके ऊपर हम आगे का काम करेंगे। मैं मिरर्स को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मैंने छोटी छोटी साइज के राउंड शेप के मिरर्स का यहाँ पे यूज़ किया है। मिरर्स के अराउंड छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स लगाएंगे। इसके लिए मैंने कलर कॉर्न का यूज़ किया है, आप मंडला टूल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम अच्छे से ब्लैक कलर के डॉट्स सभी मिरर्स के अराउंड लगाते जाएंगे। हमारे डॉट्स लग के रेडी है। अब हम वाइट कलर से छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे, जिससे पूरे क्राफ्ट के अराउंड छोटे छोटे मिरर्स के फ्लावर्स हो ऐसा लुक मिलेगा। और ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमारे क्राफ्ट को बहुत ही एट्रैक्टिव बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर, इन चारों कलर के कॉम्बिनेशन से हमारा क्राफ्ट बहुत ही एट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और मेरे घर में जब 22 जनवरी को रंगोली बनाऊंगी, तब इस क्राफ्ट को बीच में रख के इसके अराउंड दिए जला के फ्लावर्स की रंगोली बनाऊंगी, तब तो मेरा क्राफ्ट बहुत ही एट्रैक्टिव दिखेगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे और फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट अब बन के रेडी हो गया है, जो बहुत ही एट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये श्री राम मेरा आज का क्राफ्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।